गाइस स्वागत है आपका लाइफ इस मनी चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सिडनी सिक्सर्स और मेलबोर्न का मैच स्टेटस, सारे के सारे एनालिसिस आपको इसी वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करवा के चलिएगा। दोस्तों आपको सारे के सारे एनालिसिस इसी वीडियो में मिल जाने वाले हैं। अपने टॉस अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो कि मैच का फाइनल डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। तो बात जरूर ध्यान में रखे चलेगा, आपको सारे के सारे एनालिसिस कंप्लीटली टेलीग्राम चैनल पर, फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। आपको सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम को जाना है, सर्च करना है मनी इस लाइफ, जो कि हमारा चैनल आपको मोस्टली देखने को मिल रहा है, वैसे ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम सारी की सारी एनालिसिस आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं। सिंपल तरीके की अगर बात की जाए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वाला जो कमेंट होगा ना, वही टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा के देने वाला हूँ, तो वैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं मैच प्रीव्यू की। मैच प्रीव्यू की बात करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स वर्स मेलबोर्न की मैच प्रीव्यू देखने को मिल रही, जो कि दोस्तों वेन्यू की बात करते हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर डेट की बात करते हैं तो 5 दिसंबर के दिन तकरीबन 2 बजे मैच स्टार्ट होते हुए नज़र आएगा। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादातर ना बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रन भी बनते हुए नज़र आएंगे, मतलब एवरेज स्कोर आपको 120 से 150 का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ना स्प्रेशर्स जो कि फास्ट गेंदबाज है दोस्तों, स्प्रेशर्स उनको ज़्यादातर यहाँ पर हेल्पफुल है, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलेगा। स्पिच बिहेव बॉलिंग सेक्शन में रहेगा। ग्राउंड की अगर बात की जाए तो मार्सा स्पोर्ट्स क्लब का आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। दोस्तों नीचे अगर बात की जाए तो आपको सारे के सारे प्लेयर को स्टेट देने वाला हो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करवा के चलिएगा। अपडेट आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। वही बात की जाए दोस्तों सिक्सर्स और स्टार की, तो यहाँ पर देखने को मिल रही जो कि टीम सिक्सर्स की टीम बता दो दोस्तों, तो आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलेंगे जो कि जे वाइस की बात करते हैं, जिन्होंने 16 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 537 रन मोस्टली बना चुके हैं दोस्तों, एवरेज स्कोर 38 का, तो काफ़ी अच्छा इनका एवरेज स्कोर, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेटर चॉइस है। जे बात करते हैं जे फिलिप्स की, जे फिलिप्स ने 16 मैचेस खेले, 508 रन बनाए, 31 का इनका एवरेज देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा इनका भी एवरेज है दोस्तों। और जे स्किल की बात की जाए, स्किल की तो इन्हें देख सकते हैं दोस्तों 16 मैचेस खेल चुके हैं अभी तक, और बात की जाए तो मोस्टली इन्होंने भी अभी तक 382 रन मोस्टली बना चुके हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखकर चलेगा। काफ़ी अच्छे प्लेयर है, 38 का इनका एवरेज को देखने को मिला है। डी अगलेस आपके लिए देखने को मिलेंगे, जो कि 16 मैचेस खेल चुके हैं, 331 रन बना चुके हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी इनकी भी बैटिंग ऑर्डर रही है, तो ट्राई जरूर करके चल सकते हो। वही डी चेस्टन की बात की जाए तो 16 मैचेस खेले हैं, और बात की जाए तो 272 रन अभी तक बना चुके हैं, काफ़ी अच्छे इन्होंने बैटिंग की है, जरूर ट्राई करके चलेगा, 34 का एवरेज स्कोर इनका रहा है। वही बात की जाए जे इवर्स की, जिन्होंने 9 मैच खेले, 164 रन बनाए दोस्तों, काफ़ी अच्छी बैटिंग की है T20 के हिसाब से, और 18 का इनका एवरेज स्कोर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों। जी ओवर्स को भी आप ब्रांडिंग में जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही बात की जाए एमसी अगली हक्कीस की, तो इन्होंने अभी तक 5 मैचेस के लिए 155 रन बनाए, काफ़ी अच्छा इनका भी बैटिंग ऑर्डर रहा है, काफ़ी अच्छी इन्होंने अभी तक बैटिंग की है दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रखकर चलेगा। काफ़ी मोस्ट बैट्समैन के देखने को मिल जाएंगे, जो कि 38 का इनका एवरेज स्कोर रहा है। नीचे बात करते हैं बीजी डिस्कोल की, इनकी बात की जाए तो 13 मैचेस के लिए 42 रन बनाए, 21 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस बैटिंग ऑर्डर से देखने को मिला नहीं है। नीचे से बात की जाए यस एन जे ओ किपी की, तो इन्होंने अभी देख सकते हो दोस्तों 14 मैचेस के लिए 18 रन बनाए, 9 का इनका एवरेज स्कोर रहा है, तो जो कि कुछ खास नहीं है। नीचे से बात की जाए जे बी बर्ड्स की, तो इनकी देख सकते हो दोस्तों 12 रन बनाए 9 मैचेस में अभी तक, जो कि इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला है। वही बात करते हैं नीचे से, तो आपको देखने को मिल रहे सॉबोर्ड, जिन्होंने 4 मैचेस के लिए 5 रन बनाए, 5 का एवरेज देखने को मिला है, इनका भी कुछ खास स्टेट देखने को नहीं मिला मुझे बैटिंग ऑर्डर से। वही बात करते हैं नीचे से तो बैड मेंटी की, तो 8 मैचेस के लिए 0 रन 0 बैटिंग ही मिली नहीं इनको, तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। नीचे से आप बात करते हैं यहाँ पर टी करन की, जो कि दोस्तों 14 मैचेस खेल चुके हैं, 133 रन बना चुके, काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग है, ऑलराउंडर सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे दोस्तों, मोस्टली आपके लिए बेटर चॉइस बन सकते हैं टी करन, तो जरूर ट्राई करके चलेगा, इनका पूरा नाम टॉम करन है। वही क्रिस जॉर्डन की बात की जाए तो हार्ड हिटर बैटमैन ने 13 मैचेस के लिए 45 रन मोस्टली बनाए, बॉलिंग ऑर्डर से देखने को मिलेंगे, जो कि इनका एवरेज स्कोर 5.62 का देखने को मिला है। नीचे से बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली, यहाँ पर देखने को मिल रहे एल नेगी स्मिथ, जिन्होंने 11 मैचेस के लिए 327 रन मोस्टली बना चुके हैं दोस्तों, और 29 का एवरेज स्कोर है, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हो, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे इनके सिक्सर्स की बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर की ओर चलते हैं, तो आपको यहाँ पर निकी स्मिथ देखने को मिल जाएंगे, जो कि 11 मैचेस खेल चुके हैं दोस्तों, 28 रन मोस्टली बना चुके हैं, तो देख सकते हो कितने हार्ड हिटर बैटमैन भी और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करवाते हैं, तो जरूर ट्राई करके चलेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेटर चॉइस रहेंगे। वही बात करते हैं नीचे से ड्रूशिस की, इनकी बात की जाए दोस्तों तो 13 मैचेस के लिए 45 ओवर्स डाल चुके हैं दोस्तों, और 24 का इनका एवरेज 24 इनका विकेट लेके जा चुके हैं, तो मोस्टली आप ट्राई जरूर करके चलिएगा। यहाँ पर डी चिस्टन की बात की जाए तो 16 मैचेस के लिए 45 विकेट्स इन्होंने भी किए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो काफ़ी 15 विकेट्स अभी तक मोस्टली ले जा चुके हैं, चाहो तो पिक कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी करके चल सकते हो। एस एन जी किप की बात की जाए तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 14 मैचेस के लिए, और बात की जाए तो
उनचास विकेट सॉरी उनचास बॉलिंग मतलब ओवर डाल चुकी है, और बात की जाए तो मोस्टली 15 विकेट्स भी आपके लिए लेके जा चुके हैं। तो मोस्टली बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे जो कि ट्राई करके चल सकते हो, ग्रैंडी के हिसाब से स्मॉली के लिए हिसाब से रिस्की रहेंगे। नीचे से बात करते हैं दोस्तों, इस अबाउट इनकी बात की जाए तो 4 मैचेस के लिए 14 ओवर डाली है, और बात की जाए 7 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉलर है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चलिएगा स्मॉली के हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे जेएम बिल्ड्स 9 मैचेस 29 ओवर 7 विकेट मोस्टली ले जा चुके, तो काफ़ी अच्छे इन्होंने भी बॉलिंग की है, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। स्मॉल लीग के हिसाब से थोड़े रिस्की रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करके चलेगा। नीचे से बात की जाए बैड मेंटी की, तो देख सकते हो दोस्तों इनका स्टेट अभी तक 8 ओवर डाल चुके हैं, 8 मैचेस खेल चुके हैं, 22 ओवर डाल चुके हैं और 5 विकेट मोस्टली ले जा चुके, तो काफ़ी अच्छी की देखने को मिले जो कि बॉलिंग ऑर्डर से। नीचे बात करते हैं एल पॉप की, तो इन्हें देख सकते हो दोस्तों अभी तक 6 मैचेस खेल चुके हैं, 18 ओवर डाल चुके हैं, 4 विकेट लेके जा चुके हैं, चाहो तो पिक कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। निक विटनर की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक देख सकते हो 3 मैचेस खेल चुके हैं, 7 ओवर डाल चुके हैं, अभी तक विकेट इनको अभी तक नहीं मिला है, तो ट्राई करना है तो कर सकते हो। वही टॉम करन की बात की जाए दोस्तों, 14 मैचेस खेल चुके हैं और 27 ओवर डाल चुके हैं दोस्तों, और बात की जाए तो 22 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे बॉलर और बैटिंग भी करते हैं, जो ट्राई करके चल सकते हो। वही बात की जाए क्रिस जॉर्डन की, जो कि हार्ड हिटर बैटमैन भी हो, बॉलिंग भी करेंगे आपके साथ, तो मोस्टली आपके लिए बेटर चॉइस बन सकते हैं, तो जरूर ट्राई करके चलेगा। क्योंकि ये जो है ना दोस्तों क्रिस जॉर्डन, लास्ट में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने अभी तक 13 मैचेस खेले 43 अभी तक मैं ओवर डाले हैं, 15 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं। वही बात की जाए नीचे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एन निगलोन की, जो दोस्तों आपको 6 ओवर अभी तक मैचेस खेले 17 ओवर डाले हैं, 5 विकेट लेके जा चुके हैं, स्मॉल लीग के हिसाब से रिस्क रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। एम यूवर्स की बात की जाए देख सकते हो दोस्तों इनका स्टेट अभी तक 2 मैचेस खेले 7 ओवर डाले हैं, और बात की जाए तो 1 विकेट ए लेके जा चुके हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखे चलेगा। एच कूर की बात की जाए तो इनको 5 मैचेस खेले और ज़्यादातर मिलते नहीं है, ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इनके प्लेयर है दोस्तों, लेकिन इनका अगर ओवर ही नहीं मिला तो ट्राई करने का मतलब नहीं बनता। वही स्टार की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए दोस्तों, तो बैटिंग ऑर्डर से मैं आपको पहले एक बात बता दूं, सिक्स साइज की टीम से आपको किस पे पिक करना है, तो मोस्टली आप देख सकते हो दोस्तों जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जे वैसे बैटिंग ऑर्डर से मोस्ट पिक रहेंगे, जरूर ट्राई करके चलेगा, काफ़ी अच्छे बैटिंग करते हैं जे फिलिप्स, काफ़ी अच्छी इनकी भी बैटिंग है। नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर J6 भी देखने को मिल जाएंगे, और नीचे से आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को बोला है 3 बैट्समैन आपको बता दिए, DX को भी आप ट्राई करके चल सकते हो। नीचे से अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि टॉम करन है दोस्तों, क्रिस जॉर्डन है, और नीचे से आपको यहाँ पर एन लिंगी सुमित देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस टीम के आपको 6 से 7 प्लेयर जरूर पिक करके चलना है। आप चाहो तो जी क्रिस्टन को भी जरूर डिस्ट क्रिस्टन को भी जरूर दे सकते हो, मोस्टली आपके लिए बेटर चॉइस रहेंगे दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन से इस टीम की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर मोस्टली देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर नेगिली सुमित है और डिस्ट क्रिस्टन है, और जी क्रिस्टन भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और मैंने आपको बताया था टॉम करन और क्रिस जॉर्डन जरूर ट्राई करके चलेगा। इस टीम के आपको मोस्टली 6 से 7 प्लेयर पिक जरूर करके चलना है। वे स्टार की टीम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखने को मिल रही है STA की टीम की अगर बात की जाए, तो आपको यहाँ पर उनकी बैटिंग ऑर्डर बता दूँ, तो एम पी स्टॉइनिश अगर बात की जाए तो 13 मैचेस खेल चुके हैं, और बात की जाए तो 396 रन अभी तक बना चुके हैं, 33 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है T20 के हिसाब से, जरूर ट्राई करके चलेगा। जीएल मैक्सवेल की बात की जाए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन से 14 मैचेस खेले हैं, और इनकी अगर बात की जाए तो अभी तक 380 रन मोस्टली बना चुके हैं, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलेगा, काफ़ी अच्छी इनकी भी बैटिंग ऑर्डर रही है, और 31 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा दोस्तों। नीचे से अगर बात की जाए ENCR लुकिंग की बात की जाए दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बेटर चॉइस बन सकते हो, जरूर ट्राई करके चलेगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक 11 मैचेस खेले दोस्तों, और बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इनकी भी आपको देखने को मिली, जो कि बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी अच्छी है। 11 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं दोस्तों, 76 रन अभी तक बना चुके हैं दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलेगा, काफ़ी अच्छी इन्होंने बैटिंग किया, और 39 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, जो कि मोस्ट बेटर रहा देखने को मिला है। वही बात की जाए कार्टर नाइट की, तो दोस्तों देख सकते हो उन्होंने भी मोस्टली देख सकते हो अभी तक 14 मैचेस के लिए 239 रन बना चुके हैं दोस्तों, स्मॉल लीग के सबसे बेटर ऑप्शन है, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही जॉय ब्राउन्स की बात की जाए तो अभी तक 12 मैचेस के लिए 180 रन बना है, जो काफ़ी अच्छे T20 के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई किया स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। वही बेउल ऑर्डर की बात की जाए तो इन्होंने देख सकते हो दोस्तों 12 मैचेस के लिए 160 रन बना है, और एवरेज स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 22 का इनका एवरेज स्कोर देखने को मिला है, जो कि मोस्टली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नीचे से बात की जाए SE गोच की, तो देख सकते हो दोस्तों 8 मैचेस के लिए 52 रन बनाए, 13 का एवरेज स्कोर देखने को मिला, जो कि खास नहीं है। वही जॉय क्लार्क की बात की जाए तो देख सकते हो दोस्तों उन्होंने अभी तक 3 मैचेस के लिए 44 रन बना चुके हैं, 14 का एवरेज देखने को मिला है, जो कि कुछ खास नहीं है। एडम झांपा है बॉलिंग सेक्शन आपको काफ़ी मोस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ खास नहीं है। नीचे से एल सिंह रसीद की बात की जाए तो इनको भी आपको बैटिंग ऑर्डर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, और नीचे से आप देख सकते हो दोस्तों किसी का भी बैटिंग ऑर्डर आपको खास नहीं लग रहा है। नीचे से अगर बात करते हैं स्टार की बॉलिंग ऑर्डर की, तो आपको यहाँ पर एडम झांपा देखने को मिल जाएंगे, ये झांपा देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट ऑप्शन है दोस्तों। देख सकते हो उन्होंने अभी तक 12 मैचेस के लिए 45 ओवर डाले है, और बात की जाए तो 19 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, बाजू ध्यान में रखे चलेगा, काफ़ी अच्छे बॉलर है दोस्तों, आपको स्पिन गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी वर्ल्ड क्लास है। नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि 20 टैंक
आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि उन्होंने 12 मैचेस खेले, 38 ओवर डाले दोस्तों, और देख सकते हो आप यहाँ पर 13 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं। तो ये बॉलर भी आपके लिए वर्ल्ड क्लास है दोस्तों, इस बात जरूर ध्यान में रखकर चलेगा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। एचआर की बात की जाए तो इन्होंने 9 मैचेस खेले, 34 ओवर डाले और 13 विकेट मोस्टली ले जा चुके हैं, तो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकते हैं, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। जैसे कुल्टर नाइट की बात की जाए, 6 मैचेस खेले, 21 ओवर डाले, 11 विकेट लेके जा चुके हैं। तो आपको एक टॉप के जो 4 बॉलर दिख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, बात जरूर ध्यान में रखे चलिएगा। जेएल मैक्सवेल ऑलराउंडर सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि उन्होंने 14 मैचेस खेले, 28 ओवर डाले, 7 विकेट मोस्टली मिली है। तो बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर से कुछ खास नहीं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर से काफ़ी हार्ड हिटर बैटमैन है, बात जरूर ध्यान में रखे चलेगा, खेलते तो काफ़ी अच्छा आपको साइड विन करवा के देंगे। ऐसे आपको बात की जाए एसएल रॉबर्ट की, तो इन्होंने अभी देख सकते हो दोस्तों 5 मैचेस के लिए 18 ओवर डाले और 5 विकेट लेके जा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी भी बॉलिंग रही है, तो ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके चलेगा। एमपी स्टॉइनिस की बात की जाए, ऑलराउंडर स्क्रीन देखने को मिलेंगे, इनकी अगर बात की जाए तो 13 मैचेस के लिए 6 ओवर डाले और 2 विकेट इनको मिले हैं, तो और काफ़ी कम करवाते हैं बैटिंग ऑर्डर से, आपको मोस्टली पॉइंट्स दे सकते हैं, तो बात ग्राइंडिंग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए रिस्की हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो की सारी एनालिसिस यहीं पर खत्म होती है, चलते हैं डेमो टीम की ओर। डेमो टीम की ओर जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाएगा, या हमारी डेमो टीम रहेगी फाइनल टीम अपडेट के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा के मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 7-4 का कॉम्बिनेशन रहेगा, मोस्टली आप देख सकते हो 7-4 का कॉम्बिनेशन रहा है इस टीम में, आपको जो कि भी हमारी डेमो टीम रहेगी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा के मिल जाएगी। दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से मैं मोस्टली आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो जे फिलिप्स के साथ जाना चाहूँगा, आपके लिए मोस्ट ऑप्शन है दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, जो कि जे क्लार्क है, और नीचे से बात की जाए पेन एविल इस गुच है, आपको इसमें से जे क्लार्क आपके लिए मोस्ट ऑप्शन बनने वाले, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। जे क्लार्क को भी आपकी काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करती है दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रखकर चलेगा। नीचे से बात की जाए बैटिंग सेक्शन से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि जे वाइस दोस्तों काफ़ी अच्छी इनकी भी बैटिंग है, और एम स्टॉइनिस दोनों भी काफ़ी बेटर है दोस्तों, और डी हैगिस आपके लिए मोस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। आपके लिए जे ब्राउन्स का भी है, लेकिन मुझे क्रेडिट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसकी वजह से मैं डी हैगिस को मोस्टली ट्राई करके चल रहा हूँ यहाँ पर। नीचे से बात की जाए तो आपको यहाँ पर जे इवर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन का जो दोस्तों है ना ये खेलते या नहीं खेलते वो बात अभी तक टीम न्यूज़ में पता नहीं चली है। वही बात करते हैं जेएल मैक्सवेल की बात की जाए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग ऑर्डर है, और बॉलिंग भी करवाते हैं कम से कम आपको मोस्टली 2-3 और करवाते नजर आएंगे जेएल मैक्सवेल। नीचे से बात की जाए डी चिस्टन की, तो ये भी बॉलिंग ऑर्डर से और बैटिंग ऑर्डर से आपको काफ़ी अच्छी करवा के दे सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन से की दोनों भी चॉइस हो सकती है। ये हगीज अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे बॉलर है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखकर चलेगा, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ऊपर मुश्किल ट्राई करके चल सकते हो। आप यहाँ से नीचे से बात की जाए तो आपको एच कार्वाइट के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इनका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन मुझे क्रेडिट का इशू आ रहा है, इसकी वजह से इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। यहाँ पर बात की जाए बॉलिंग सेक्शन से, तो आपको कुल्टर नाइट देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है, एडम जंपा काफ़ी अच्छे बॉलर है, जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। आपके लिए यहाँ पर डिफरेंशियल पिक जो बात की जाए ना दोस्तों, तो आपके लिए मोस्टली यहाँ पर मैंने टॉम करन को रखा है, जो कि आपको बैटिंग ऑर्डर से बॉलिंग ऑर्डर से पॉइंट दे सकते हैं, जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। और नीचे से बात की जाए तो एल निकी स्मिथ, ये भी आपको बैटिंग ऑर्डर से बॉलिंग ऑर्डर से पॉइंट दे सकते हैं, जरूर ध्यान में रख के चलेगा, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं, ये बात किसी को पता नहीं। सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है, तो मोस्टली ट्राई करके चल सकते हो, ग्रैंड लीग के हिसाब से भी बेटर पिक रहेंगे। और आप चाहो तो सेफ जाना चाहते हो तो इस बोर्ड के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन आपके लिए जो कुछ पॉइंट का ये रहेगा दोस्तों, तो आपको पॉइंट का बहुत ज़्यादा इशू आएगा। आपके लिए डी विस्टल का भी काफ़ी सेफ चॉइस है, ट्राई जरूर करके चल सकते हो। दोस्तों वीडियो में कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैं सिंपल यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाना चाहूँगा, और एम हगीज़ को वाइस कैप्टनसी देना चाहूँगा। ज़्यादातर पब्लिक ने एम स्टॉइनिस को दी, लेकिन एम स्टॉइनिस आपको बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, काफ़ी आपको बैटिंग ऑर्डर से पॉइंट देंगे, ये बात जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। दोस्तों वीडियो के यही पर एनालिसिस सारी की सारी खत्म होती है, मिलती है अगले आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारी डेमो टीम है फाइनल टीम अपडेट के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।